हेलो फ्रेंड्स, मैं अनन्या सिंह आपका अपने चैनल गार्डन लवर में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको तुलसी को रिपोर्ट करना बताऊंगी कि तुलसी के प्लांट को हम कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं और हमें इसको रिपोर्ट करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था आपको कि मैंने जो ये वाले जो तुलसी के प्लांट है इनको सीड से ग्रो किया हुआ था, उसके बाद मैंने इनको इन छोटे छोटे पॉट्स में ट्रांसफर कर दिया था। अब उसके बाद क्या है, अब ये आप देख सकते हैं कि इनकी ग्रोथ कितनी तेज़ी से हो रही है और कितना ही बड़ा प्लांट ये मेरा हो गया है। तो अब ये प्लांट के अकॉर्डिंग ये जो पॉट है वो छोटा है, इसलिए अगर ये प्लांट के अकॉर्डिंग पॉट छोटा है तो फिर ये हो ऐसा कि पॉट प्लांट जो है एक साइड झुक रहा है। तो इसके लिए अब हमें बड़े पॉट की ज़रूरत है, इसलिए हम इसको बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसी को हम रिपोर्ट कहेंगे कि इसको एक पॉट से दूसरे पॉट में या पॉट में प्लांट को ट्रांसफ़र करना ही रिपोर्ट या रिपोर्टिंग कहलाता है। तो अब मैं आपको बता दूं, वैसे मैं इसको एक स्टिक यहाँ लगा के इसको इस तरह से भी स्टैंड कर सकती हूँ, बट फिर भी ये जो है इसकी कुछ समय बाद हो सकता है कि कुछ समय बाद इसको मुझे फिर से रिपोर्ट करना पड़े, इसलिए मैं इसको अभी से रिपोर्ट करना समझती हूँ कि अभी से मुझे रिपोर्ट इसको कर लेना चाहिए। एक और मैं आपको अपना प्लांट दिखाती हूँ, वो भी कुछ इस तरह से ही हुआ है। आप इसका साइज़ भी देखिए, बहुत छोटा सा साइज़ है ये, आपको शायद कैमरे में ज़्यादा बड़ा लग रहा हो, बट मैं आपको इसका साइज़ बता दूँ, ये 6 से 7 इंच का ही पॉट है, ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं है। और आप इसमें मेरी तुलसी को देख सकते हैं कि कितनी ही अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ हो रखी है। ये देखिए, ये ऐसे यहाँ से आप नीचे से देखिए, अब ये ऊपर तक जो मैंने ये इस तरह से ये ग्रोथ इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रखी है। इसको भी मैंने सीड से ही ग्रो किया हुआ था, और एक और प्लांट है इसको भी मैंने सीड से ही ग्रो किया हुआ था ये वाला। तो अब मैं जब ये एक साइड से मैं इसको भी ऐसे स्टैंड कर सकती हूँ कि यहाँ एक स्टिक लगाया और ये इससे यहाँ तक और थोड़ा समय तक मेरा प्लांट इसी पॉट में चल जाएगा, स्टिक से ये स्टिक के सहारे खड़ा रहेगा तो और मेरा प्लांट ख़राब नहीं होगा। बट मैं फिर भी इसको रिपोर्ट करना चाहती हूँ क्योंकि कुछ समय बाद मुझे ऐसे कोई भी रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इन दोनों प्लांट को एक साथ ही रिपोर्ट कर देना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ आपको बता दूँ, रिपोर्टिंग से पहले आपको सबसे ज़रूरी काम क्या करना है। सबसे ज़रूरी काम होता है अपने प्लांट की सॉइल को चेक करना। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे जो प्लांट की सॉइल है वो बिल्कुल ही ड्राई हो चुकी है। तो मैंने करना क्या है, इसको अच्छे से वाटर से फिल कर दूंगी पॉट को। मेरी ये दोनों तीनों जो पॉट हैं आप देख सकते हैं, दोनों तीनों पॉट्स की जो है सॉइल बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। देखिए, सबकी सॉइल जो ड्राई है, तो मैं अगर इसको ऐसे निकालूंगी तो जो इसके रूट्स हैं प्लांट के वो डैमेज होने के चांस बहुत रहते हैं। इसलिए हमें जब भी कोई भी प्लांट रिपोर्ट करना चाहिए, खासकर वैसे प्लांट जिनके जो रूट्स होते हैं वो बारीक होते हैं, तो उसके लिए हमें यही करना होता है कि सबसे पहले हमें अपने पॉट को सॉइल को जो है गीला कर देना होता है। इसके लिए हमें मेन पॉट्स को पानी से फिल कर दूंगी जिससे अच्छे से, और फिर उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी जिससे कि नीचे पॉट के नीचे तक अच्छे से जो है मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए, उसके बाद हम इसको रिपोर्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें वाटर डाल के आधे घंटे के लिए रख देती हूँ, फिर मैं आपके साथ इसका दूसरे पॉट में इसको प्लांट को लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसमें मिट्टी को आधा सा पॉट जो है वो मैंने फिल कर लिया है। ये मेरा 12 इंची का पॉट है और अब मैं अपनी तुलसी के प्लांट्स को इन्हीं में लगाऊंगी। अब मैं आपको वो प्लांट्स दिखा देती हूँ कि वो किस तरह से अब मिट्टी उनकी गीली हो चुकी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी इनकी खूब अच्छे से गीली हो चुकी है। अब हमें बस प्लांट्स को अपने को धीरे से खींचना है। अगर आप खींच के निकालना चाहें तो खींच के निकालिए, और अगर आप से प्लांट नहीं खींच रहा है तो आप किसी टूल की सहायता ले सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि आप किस तरह से इस प्लांट को पॉट से बाहर निकाल सकेंगे। मैं यहाँ इसका इस्तेमाल करूँगी, आप इसको अच्छे से मिट्टी में इस तरह से
डालेंगे पॉट के अंदर और इसको नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे। अब आपको एक बार में सारा नहीं निकालना, चारों साइड से आप ऐसे ही करेंगे तो आपका जो प्लांट्स है ये और जो इसके रूट्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे और पॉट से बहुत आसानी से जो है बाहर ये निकल आएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना बाहर आ रहा है या नहीं। ओके, अब ये प्लांट जो है मेरा बाहर आ रहा है, तो अब मैं इसको बाहर खींच की तरफ खींचती हूँ। अभी मेरा प्लांट जो है बाहर आ गया है। अब ये जो छोटे छोटे ये नीचे से लीव्स हैं मैं इनको सबको हटा दूँगी और इसके ये आप रूट्स भी देख सकते हैं। अब मैं इसको पॉट में ऐसे कि ऐसे ही रख दूँगी। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, मैंने इसको इस तरह से रख दिया है। मैं इसकी कोई मिट्टी को इसमें से नहीं हटाऊंगी क्योंकि मिट्टी हटाने से इसके जो रूट्स हैं वो डैमेज होने के चांस ज़्यादा बनेंगे। तो अब ये जो पॉट ऐसे निकला है तो इसको ऐसे ही रख देना है और इसी तरह से मैं अपने और भी जो प्लांट है तुलसी के वो इसी पॉट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अब फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने प्लांट को जो है इसमें रिपोर्ट कर दिया है तुलसी के प्लांट को। मेरे पास जो तीन प्लांट थे वो तीनों प्लांट मैंने इसी एक ही पॉट में लगा दिए हैं जो कि बहुत ही बुशी लग रहे हैं और देखिए बहुत ही प्यारे प्लांट हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा हो मेरा आज का ये वीडियो तुलसी को रिपोर्ट करना कैसे हम कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो कभी भी आपकी जो तुलसी का प्लांट है उसके लीव्स गिरेंगे नहीं और प्लांट आपका मुरझाएगा नहीं। और आप इसमें अब वाटरिंग की बात है तो मैं अब इसमें बहुत ही थोड़ी सी वाटरिंग करूँगी। चलिए मैं पर इसमें वाटरिंग कर वाटर करती हूँ क्योंकि इसमें क्या है मिट्टी जो थी वो गीली तो थी तो इसलिए मैं इसमें कम वाटरिंग करूँगी। ओवर वाटरिंग ना हो जाए इस वजह से मैं कम वाटरिंग ही करूँगी क्योंकि जो मैंने जो प्लांट की जो पहले जो पॉट्स में जो सॉइल को गीला किया था वो भी गीला है अभी मिट्टी। तो फिर अब मैं इसमें ज़्यादा वाटरिंग नहीं करूँगी, बस इतनी वाटरिंग इसके लिए इनफ हो जाएगी। अब इसको करना क्या है आपको कि इसको ना अब एक दिन के लिए शेड एरिया में रख देना है बस। इसके अलावा आपको और कुछ इसकी केयर फिलहाल नहीं करनी है और फिलहाल इसमें कोई फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। अगर क्योंकि अभी आपने जब भी हम प्लांट्स को रिपोर्ट करते हैं तो उसके थोड़े बहुत रूट्स तो डैमेज होते ही हैं तो इसलिए उसको थोड़ा सा सर्वाइव करने में थोड़ा समय लगता है। तो जब भी आप कोई प्लांट को रिपोर्ट करें तो उसमें किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। तो प्लीज़ अभी अगर आप रिपोर्ट करने के बाद फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं दो चार दिन में भी तो आपका प्लांट जो है डाई होने का चांस बन जाता है ज़्यादा। तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स बाय बाय।